नमस्कार दोस्तों, मैं इसका सिंह अपने आपके YouTube चैनल एप्स राजा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि घर बैठे अपने मोबाइल से LIC की पॉलिसी में आप अपना पैन कार्ड को कैसे लिंक करेंगे और उसका क्या प्रोसेस है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में लाइव डेमो के साथ स्टेप बाय स्टेप करके बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, दोस्तों तक शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं लेकर आता हूँ एप्स की नई जानकारी बिल्कुल फ्रेश एवं ताजा, इसलिए मेरे चैनल का नाम है एप्स राजा। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम लोग गूगल में जाएंगे और गूगल के सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना है LIC की वेबसाइट, यानी कि आपको टाइप करना है LICindia.in और इसको सर्च कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही सर्च करेंगे तो यहां पर LIC की वेबसाइट है जो ओपन हो जाएगा, और देखिए इस तरह का LIC का जो वेबसाइट है इस तरह का ओपन हो जाएगा। और यहां पर दोस्तों आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। जैसे दोस्तों नीचे आएंगे तो देखिए यहां पर दो तीन ऑप्शन, न्यू ऑप्शन दिखा रहा है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। यहां पर देखिए एक ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन और ऑनलाइन एड्रेस चेंज, यानी कि आप यहां से एड्रेस भी चेंज कर सकते हैं और ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन भी कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कि पैन में रजिस्ट्रेशन कैसे, यानी कि ऑनलाइन पैन को रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे LIC की पॉलिसी में। तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं दोस्तों। तो हमें क्लिक करना है ऑनलाइन पैन रजिस्ट्रेशन पर। ऑनलाइन पैन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए एक नए पेज पर ले जाएगा, जहां पर देखिए पहला लिखा है कीप योर पैन कार्ड हैंडी अलोंग विद द लिस्ट ऑफ पॉलिसी का नंबर और आपका जो पैन कार्ड है उसका नंबर आपको रखना है, फिर एक मोबाइल नंबर रखना है। इंटर करने के लिए OTP आएगा और आफ्टर सबमिटिंग द फॉर्म मैसेज विल बी शोन इन सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट। तो एक दो तीन स्टेप दिया दोस्तों। अभी यहां से आपको सबसे पहले प्रोसीड नहीं करना है, यहां पर देखिए चेक पॉलिसी पैन स्टेटस। यदि आपने पहले ही पैन को लिंक कर दिया है तो आप कैसे चेक करेंगे कि मैंने पैन इसमें दिया था या नहीं दिया था, तो सिंपली आपको इस ऑप्शन में आपको क्लिक करना है, यहाँ पर चेक पॉलिसी पैन स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है ताकि आपका पता चल जाएगा कि पैन जो है मेरा लिंक है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग इस पर क्लिक करेंगे और दोस्तों जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आपको पॉलिसी नंबर, डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद आपको यहाँ पर पैन नंबर, उसके बाद यहाँ पर दोस्तों कैप्चा है, उसके बाद सिंपली आपको सबमिट कर देना है। तो ये सारी चीजें करके मैं सबमिट करता हूं और उसके बाद देखते हैं आगे क्या आता है। तो दोस्तों यहां पर देख सकते हैं कि जो मेरा पॉलिसी नंबर है उसमें यहां पर बता रहा है पैन नॉट रजिस्टर्ड आवर सिस्टम अगेंस्ट द पॉलिसी नंबर, यानी इस पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट में कोई भी पैन जो है रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको क्या करना है। तो देखिए दोस्तों यहीं पर देखिए क्लिक हियर टू रजिस्टर योर पैन विद अस, यानी यहीं पर एक ऑप्शन आ जाएगा, तो इसी पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आपका यहाँ पर दिखाता है कि लिंक है तो आपको सिंपली गो बैक कर देना है। तो हमारा लिंक नहीं है तो हम लोग किस पर क्लिक करेंगे, क्लिक हियर टू रजिस्टर योर पैन, तो इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों। इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर एक नया पेज ओपन होगा जहां पर डेट ऑफ बर्थ डालना है, उसके बाद मेल यानी कि जेंडर मेल फीमेल या अदर, ईमेल आईडी डालना है, पैन नंबर डालना है, फुल नेम एज पर पैन डालना है, फिर उसके बाद मोबाइल नंबर, फिर पॉलिसी नंबर डालना है दोस्तों, और उसके बाद यहाँ आई हेयर बाय सबमिट माय पैन पर क्लिक करके यहाँ कैप्चा को डाल के दोस्तों यहाँ पर गेट OTP करेंगे, एक OTP आएगा, OTP के थ्रू से वेरिफिकेशन करेंगे और उसके बाद उसे सबमिट कर देंगे। तो आपका जो पैन है वो LIC पॉलिसी में रजिस्टर हो जाएगा। तो आप इसमें एक एक करके अच्छे से भर लीजिएगा। मैं यहाँ पर इसे पॉज करके सारे जानकारी भरने के बाद मैं इसे गेट OTP पे क्लिक कर दूंगा, तो आप ऐसे ही फॉलो कीजिएगा। तो सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं इसे फिलअप करके आपको नहीं दिखा रहा हूं, मैं सिंपली इसे भर दे रहा हूं और उसके बाद यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स है, उसे आप क्लिक करना ना भूले। यहाँ पर देखिए एक चेक बॉक्स है, उसको आपको चेक कर देना है, उस पर टिक लग जाएगा, यानी उस पर बस क्लिक कर देना है तो टिक लग जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर कैप्चा कोड डालना है, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक कर देना है। तो एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल देंगे तो आपका ऑलरेडी वेरिफिकेशन हो जाएगा और आपका पैन भी लिंक हो जाएगा पॉलिसी से। तो चलिए मैं ये कर लेता हूँ फटाफट। और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं मैंने सारी जानकारी डाल दिया हूँ, फिलअप कर दिया हूँ और सिंपली मैं यहाँ पर कैप्चा कोड डालूंगा। तो जो कैप्चा कोड है वो आपको यहाँ डालना है, देखिए और दोस्तों यहाँ पर गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों जैसे गेट ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो यहाँ जो हमारा नाम नंबर है सारा इंफॉर्मेशन यहाँ प्रोवाइड हो गया है, इसे एक बार आपको चेक कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो ओटीपी आएगा, यहाँ पर देखिए नीचे में ओटीपी आएगा, उसे आपको फिलअप कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ से फिलअप कर देता हूँ ओटीपी के थ्रू। तो दोस्तों यहाँ मेरा ओटीपी आ चुका है, मैं यहाँ पर फिलअप कर दिया हूँ और सिंपली सबमिट करूंगा। तो दोस्तों जैसे सबमिट करूंगा तो यहाँ देखिए रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड फॉर पॉलिसी नंबर इतना, मैं एक बार इसे ऑलरेडी भेज चुका हूँ इसलिए मेरा एरर दिखा रहा है, आपके केस में सक्सेसफुली दिखाएगा। तो मैं एक बार ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले ही, तो यहाँ दिखा रहा है रिक्वेस्ट ऑलरेडी सबमिटेड फॉर पॉलिसी नंबर इतना। तो मेरा जो है कि जो इस पॉलिसी नंबर के अगेंस्ट में मैं ऑलरेडी रिक्वेस्ट भेज चुका हूँ पैन का लिंक का, तो इस केस में मेरा एरर दिखा रहा है क्योंकि मैं दोबारा कर रहा हूँ, तो आपके केस में सक्सेसफुली दिखाएगा। तो आई होप सो कि आपको सारी बातें इजिली समझ में आ गई, तो आप इजी तरीके से अपने पैन कार्ड को पॉलिसी नंबर से लिंक कर सकते हैं। और दोस्तों इसका बेनिफिट आपको ये है कि आईपीओ आने वाला है, यानी कि एलआईसी जो कंपनी है उसका शेयर मार्केट में लिस्ट होने वाला है और उसमें 10% पॉलिसी होल्डर को ये शेयर मिलने वाला है। तो मतलब इजी तरीके से यहाँ पर आपको भी शेयर मिल सकता है, तो उसके लिए आपको डीमैट अकाउंट की भी जरूरत होगी जिसे आपको खुलवाना अनिवार्य है। दोस्तों आई होप सो कि आपको सारी बातें इजी तरीके से समझ में आ गया होगा, फिर भी आपको किसी तरह का दिक्कत परेशानी होता है तो मुझे कमेंट्स करके जरूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही यूजफुल इंफॉर्मेशन और फायदेमंद वीडियो देखने मेरे चैनल एप्स राजा को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दे और ऑल पे सिलेक्ट कर ले ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, जय हिंद, वंदे मातरम।